ओ मेरी जोहर जमीन, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवान, तुझे कुर्बान मेरी, तुझे कुर्बान मेरी जान मेरी। आईफोन ओह गॉड, आईफोन 15 प्रो मैक्स सही आएगा ना खाली। हेलो माय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड आज है हमारी एनिवर्सरी, कहते हैं 19 वर्ष हमें पूर्ण हो चुके हैं एनिवर्सरी के। तो मम्मी ने आज गिफ्ट करा है मुझे आईफोन 15 प्रो मैक्स। कितने जीबी है? 512 जीबी। बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी आपका। तो मैं आपको एक फोन तो आपको बाद में दिखाऊंगा, और अभी कहते हैं पूजा भी रेडी हो रही है, तो मेरे को तो शॉप के जाने में हो रही है देर, तो मैं तो अभी चाहता हूँ शॉप को। पूजा हो रहा है यहाँ पे, जल्दी जल्दी भेजो। ओ जो बाय बेटा, क्या पता अभी देखते हैं फिर। धन्यवाद पूजा, जल्दी करना है। चलो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे, आप शॉप में पहुंच के शादी की सालगिरह की बधाई हो। गिफ्ट आज तो गिफ्ट ही गिफ्ट मिले। फ्रेंड पहुंच चुका था शॉप में, और अभी यहाँ पर धूप बत्ती वगैरह भी करी थी मैंने, साफ सफाई भी हो चुकी है और कार्य वगैरह करते हैं। हेलो हेलो ब्रो, क्या तुम कहाँ घूम रहे हो? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बढ़िया तुम? बहुत बढ़िया यार, कहाँ हो रही हूँ मैं? मैं जिम से आ रहा था। अरे मम्मी ने दिया यार, कितना तो देखा भी नहीं अभी, बिल्कुल ले आया था। तुम्हें स्टोरी नहीं बताया मतलब इसकी है ये, मुझे इसके बारे में पता ही था। मैंने कहा आराम से फोन लगा करके, नहीं तो अभी तो लाया मैं कहीं को आया दुकान पे। चलो फिर चल रहा है अभी। हाँ यार मैं पक्का पूरी साइकिल कर देना यार आज, क्योंकि आज एनिवर्सरी का इसी से बनना है ना। ठीक है ओके। तो पूजा ने बनाया था आज सूजी, और तो कुछ नहीं बनाया क्योंकि कल परसों से त्योहारी में चल रहे थे। तो अभी आई हमारे पास सूजी और कॉफी। मामा कॉफी दे दो। अरे मुझे पता चल गया कॉफी आ गई करके, ये लो वाली कॉफी, कॉफी के पैकेट दे दो। मैं तो सोच रहा हूँ कि तेरे को कॉफी का पता चल गया। पीले पे थोड़ी थी? नहीं नहीं पी ली थी। और अभी यहाँ रोज सब फोन पे फोन आ रहे हैं, कभी दीदी का कभी। हेलो हेलो, हाँ जी प्रणाम। आ रही है आ रही है। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। और बेचारी बता भी बची भी नहीं यार, वो सुबह सुबह यार कहते मरी गई यार, वो रात भर देखने में था मैं उसको, 1:30-2 बजे तक नहीं बच पाई हो यार। चलो आप जब भी आओगे तो एक आध दिन में कर देना फिर, ठीक है? तो भाई मम्मी भी आ चुकी है, और अब मैं जाता हूँ घर को, और मम्मी के भी माँ का मेहनत शुरू हो गया था। 3 दिन के व्रत, आज तीसरा व्रत पूर्ण होने वाला है। कल को फिर पंडित जी को बुला रखा है, और मम्मी की तरफ से यहाँ पर एक मम्मी ने योजना भी डाल दी है कि भाई आंचल दूध 1 लीटर वाला जो है वो मिलेगा अब से 52 रुपए लीटर। तो जिसको भी मतलब जो भी हमारा ब्लॉग देखे तो इसको आगे शेयर कर दीजिए कि मैं तो एंड संत में 52 रुपए लीटर आंचल का दूध मिलेगा आपको 17 तारीख से। और इसके साथ साथ ही आटा, चावल, दालें और चीनी, तेल, रिफाइंड, सरसों, हर चीज़ में मम्मी ने
कुछ ना कुछ रियायत दी है। ये दूध तो महंगा आता था, अब तो सस्ता हो गया। नहीं, दूध सस्ता नहीं हुआ है, लेकिन हमने यहाँ मम्मी ने कहते अपनी तरफ से ये माघ का महीना शुरू हो चुका है तो इसलिए इसको 52 रुपए लीटर कर दिया है। चलो सही। हाँ, जब भी जरूरत हो तो आप यहाँ से ऊपर। हाँ, यहीं से ले जाना, ठीक है। और लोगों को भी बता भी दे। फ्रेंड पहुँच गया था घर और यहाँ पर पूजा क्या कर रहा हूँ। तो पूजा ने यहाँ पर मेहंदी वगैरह भी सुधार दिया है। और जी बच्चे कहाँ है? बच्चे तो आज प्रोग्राम नहीं बनाया गया बच्चों ने। कोई बॉरी क्या कर रही बेटा? दादी ने दिया है गिफ्ट आज। अच्छा, दादी ने दिया है। अरे यार बिजू दी वो पहला बांटने चली गई, मम्मी ने कुछ नहीं बोला, आपने कुछ नहीं बोला तो नहीं बनाया। शाम को देखते हैं बाकी। शाम को हाथ नहीं धोता हूँ। खाना बना दिया? हाँ। आज क्या बनाया तुमने? सूजी तो खिला दी थी सुबह रही। अच्छा, झोली भात खाते हैं। झोली भात और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। क्या खट्टा पट्टा कर रहे हो तुम? मेरे मोबाइल में आईफोन वाले हो गए। खोल के दिया यार, मेरे को अनबॉक्सिंग वगैरह भी नहीं दिखाई यार इसकी। कहते मेरे को आईफोन 15 प्रो मैक्स यार। और कैमरा वैमरा तो होगा इसमें? तो करते हैं दिन का भोजन और फिर मिलते हैं आपसे अब सीधे शाम को। फ्रेंड्स, शाम भी हो चुकी है और मैं भी हो गया हूँ रेडी यहाँ पर। और अब ये देखिए हमारा कहाँ का होता है प्रोग्राम। बच्चे अभी हो रहे हैं तैयार और ब्लॉग में बने रहिए, तो आपको आगे को ले जाते हैं। फिर मिलते हैं अभी आपसे बच्चों के रेडी होने के। मम्मी का? चलो भी चलो। कान के बूढ़े कौन से वाले? हाय मम्मी का गिफ्ट। तो भाई मैं तो आज अपने मोबाइल में ही रेडी रह गया। और यहाँ मम्मी ने जो गिफ्ट दिए है पूजा को ये देखिए। और मम्मी तो आ नहीं रही है और हम लोग अभी रेडी हो रहे हैं थोड़ा कहीं बाहर जाने के लिए, तो अभी वहीं पहुँच के दिखाते हैं आपको। मम्मी चले फिर हम? फ्रेंड हम निकल रहे हैं और क्योंकि वहाँ से फोन भी आ रहे हैं, जो हमारे वहाँ पर गेस्ट आए हैं तो उनके कॉल आ गए, भाई हम तो पहुँच चुके हैं तुम कहाँ आ रहे हो? तो बस हम लोग भी निकल चुके हैं। जियाजी लोग हमारे आ गए हैं ना पहले ही। अच्छा अच्छा। हाँ तो उनको आप रिसीव करो यार, उनको जरा कोई स्टार्टर विटार्टर जो भी उनको खिलाओ। मैं आ रहा हूँ, बस पहुँचने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखता हूँ, वहाँ ऊपर तो कोई नहीं है, मैं देख ले कैमरे में, नीचे देखता हूँ। नीचे गाड़ी में बैठे हो? तो फ्रेंड्स कहता होटल से अपने मित्र मनोज भाई का भी कॉल आ गया है कि कितनी देर में पहुँच रहे हो, क्योंकि मैंने उनको 8 बजे का टाइम दिया था और 9:30 यहीं बज चुके हैं। तो बस हम भी वहाँ पहुँचने वाले हैं और जियाजी लोग और बाकी वहाँ पर पहुँच चुके हैं हम साथ में। यहाँ पर है कमल लोग आ जाते हैं हमारे मित्र का ही है। तो अभी और गाड़ियाँ तो यहाँ पर दिख नहीं है। मैंने भाई साहब से पूछा भी, कहते हैं कि कोई और कोई तो नहीं आया ना अभी यहाँ पर, कोई और गाड़ी नहीं आई पार्किंग में तो ला रही थी। अच्छा, तो अभी वो लोग पहुँचे नहीं है, हमें खाली बेवकूफ़ बना रहे थे कि हम लोग पहुँच गए करके। तो अभी उनका भी वेट करते हैं, वैसे हम जाते हैं ऊपर को पहले देखते हैं। छोड़ो यार, हमें बेवकूफ़ बना दो यार। ये आप यहाँ से आओ ना सीधे नीचे को कमला बाजा वाली रोड में, रिलायंस क्रॉस करते ही बस यहीं पे तो है सर, सांस करके। हाय बच्चे, क्या हाल है? कोई बात क्या हो गया? प्रणाम। जीते एलिजाबेथ, आइए। हाय प्रणाम भैया। हम तो आप लोग तो पहुंच गए थे, हम तो फिर भी काम कर रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद, हम तो फिर भी काम कर रहे हैं। धन्यवाद जी को कार्य लगा रहे हैं। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। और कैसे हो? बढ़िया, एकदम बहुत अच्छा करा है। हेलो, जीते रहो, बधाई दो। अच्छा, थैंक यू। और कहा है? ये कौन? कौन भाई? थैंक यू थैंक यू।
तो भाई ये देखिए हमारी एनिवर्सरी की जीत करने के लिए सोचे हैं। एक बार दिखा भी दो फिर ऐसा कर दे क्या थैंक यू ये तो मैंने जाना ये कौन है ये बढ़ाओ आओ फिर चलो कल तक वो भाई कितने बजे में आना है अभी ऊपर है क्या अच्छा स्टार्टर्स भी आ गया है फिर चलो फिर गाइस स्टार्ट हो जाओ मामा प्रणाम अनु भाई भी आ गए थे और ये भी आए हैं अकेले और ना फैमिली को लेके आए हैं ना किसी को लेके आए हैं स्टार्टअप वगैरह भी हो चुका है और यहाँ पर अभी सब लोग रेडी हैं केक भी आ चुका है अभी तक सेल्फी ले रहे थे और केक वगैरह काटते हैं क्योंकि मौसम भी खराब ही हो रहा है तो अरे रेडी है सब लोग तो भाई यहाँ पर अपना खुद कैंडल लगानी पड़ रही है सब लोग अपने अपनी जगह पे व्यस्त हैं यहाँ पर मैं और पूजा एनपी आपने देखा होगा मैं तो तेरे नाल ही रहना जी हर गम संग तेरे सेना जी जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी वो नज़्म नज़्म सा मेरे हो तो पे ठहर जा मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जा अरे कोई बोलता था भाई अरे बोलो यार सब गायब होगा देखो करीब से मिले हैं नसीब से आएगा मैं तो तेरे नाल ही रहना जी हर गम संग तेरे सेना जी जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी वो नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागू रे मोहब्बत लुटाऊंगा मैं छेड़ के मन का साज साज फिर तो फ्रेंड यहाँ पे केक कटिंग वगैरह भी हो चुकी है और सब लोगों ने केक वगैरह भी खिलाई दिया है तो अब हो गया खाने की तैयारी क्योंकि वहाँ भी टाइम भी हो रहा है 11 बज चुके हैं तो अंदर से कॉल आ रही है कि भाई जल्दी आ जाओ खाना भी लग चुका है तो अब जाते हैं अब खाना वाना खाते हैं खाना लगे
इन लम्हों का मुझे कब से इंतजार था, इन खुशियों के लिए कब से बेकरार था। हीरेनी मेरी है, हीरेनी मेरी है, तुझको ही मैं चाहूं। दोनों ने रोना, दोनों ने हंसना, सबनों ने दसना। पूजा ओ पूजा ते रोटी बड़ा आ गया। जब आप एक हुए तो इतनी फैमिली मिली और इतने सारे बच्चे मिले, इतना बढ़िया दिन। और भाजी किराए निकल गया मतलब यार आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। चलो फिर साइड जाओ। आपको अपने डिसीजन पे क्या है? बताओ आप अपने डिसीजन पे खुश हो? अरे डिसीजन बताओ। तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। बेइज्जती यार। बुआ आपको कैसा लग रहा है अपने क्या है 21 साल में? बहुत अच्छा लग रहा है भैया। सॉरी भैया की तो वाइफ ही नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है भैया का नाम ये साल कैसे बीते पता ही नहीं चला। पता ही लेकिन भैया ने मोए मोए ये कौन सा आज तक का रिपोर्टर है? ये आज तक का नहीं है, ब्रांड पढ़ो तो। रैंड बिस्लेरी का। आपको कैसा लग रहा है? बस ऐसा लग रहा है जैसे कली की बात जब हम पीली कोटी के चौराहे पे मिले थे। संडे मार्केट में मोमो खा रहे थे जब हम घूमने जा रहे थे। जब हम घूमने जा रहे थे। कौन बचा है? ओ ये तो बातें बाहर आ रही है, धीरे धीरे बातें खुल रही है। मैं भी कुछ कहना चाह रहा हूँ। तुम कैमरा लेके पहले बात में यार कुछ मैं अपने कहते वाइफ के लिए कुछ कह दूं क्या? हाँ, कहो है? कहो ओ मेरी जोहर जबी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और तुझे कुर्बान मेरी और तुझे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। आप कुछ कहना चाहेंगे इससे आगे? थैंक यू। ये बोल जाने मन कुछ तो बोल दे आज हमारी शादी को पूरे दुनिया कहते हैं 19 साल हो गए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी का दुख रहा है। जोर जबी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक हंसी और मैं जवान। कोई बात नहीं बच्चे बड़े भी हो गए अब तो जवान है। धन्यवाद। आगे को बढ़ते रहो, खुश रहो, खुश रहो। दीदी लोग साथ रहते हैं इतना शादी को हुए कभी ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ सब साथ में तभी चला गया। 19 साल कब निकल गए हमारी शादी तभी चला। हमें भी बहू मिली अच्छी मिली है अच्छी बहू मिली है बहुत अच्छी देखने वाली। तभी तो माँ से मायका होता है कहते हैं बाद में बहू से मायका होगा समझ लीजिए। सॉरी यार थैंक यू।
हाँ बहुत बढ़िया। तो भाई यहाँ पे पार्टी वगैरह जो भी पार्टी क्या थोड़ा सा एंजॉय वगैरह हुआ था, गेट टुगेदर हमने रखी थी जो फैमिली की, तो वो भी हो चुकी है। अभी हम चलते हैं घर के लिए। आओ जय श्री राम। जय श्री राम। बाय बाय। गुड नाइट। ओके गुड नाइट। गुड नाइट। बाय बाय। थैंक यू पिली बॉडी पे। और दो गाड़ियां तो आ चुकी है, एक गाड़ी अभी वहाँ से आ रही है। ये अपनी है या बाहर की है? ये हमारे का। ये अबे ये अपनी नहीं है। दूसरी गाड़ी भी आ चुकी है हमारी। मैं कौन है पूरा ग्रुप बना के अंडे मार रहे। तो फ्रेंड अभी पहुंच चुके हैं हम पिलीकोटी चौराहे पे और सब लोग हम यहाँ पे आ गए हैं। भानु चले गया था वहीं से आगे के लिए। और आज के ब्लॉग को भी कर देते हैं फिर हम यहीं पे समाप्त। गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार। कल मिलते हैं अब आपसे नए ब्लॉग में। बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ओके बाय बाय। तो दीदी लोग थैंक यू थैंक यू। तो दीदी लोग जाएंगे यहाँ से आगे के लिए और हम लोग यहाँ से जाएंगे नीचे को। तो अभी चलते हैं। ओके बाय बाय। माऊ जी यार बहुत अच्छा लगा। अंडमान भी हम लोग साथ में रहे हुए थे। नमस्कार। नमस्कार। उस समय हम लोग अभी ब्लॉगिंग नहीं करता था मैं भी। हाँ। तो उस समय भी हमारा बहुत अच्छा मतलब ब्लॉग मतलब बहुत अच्छा टूर रहा। तो और अब हम आगे की सोच रहे हैं लक्षद्वीप जाने की। तो अब हम मिलेंगे आपको नए ब्लॉग में लक्षद्वीप में।